हेलो, दिस इज आकाश गुप्ता एडवोकेट एंड यू आर वेलकम टू आर नॉलेज सूत्र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है और कोई सामने वाली पार्टी आपको थ्रेट करती है कि मैं आपको चेक के केस में फंसा दूंगी, आपको जेल करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपको इन सब में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा हल बताऊंगा कि जिससे अगर आपका चेक बाउंस भी हो जाता है तो आपको किसी भी लीगल पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोर्ट से कोई बेल करवाने की जरूरत है, ना ही इस चीज़ का डर मन में पालने की जरूरत है कि आपको अब जेल ही होगी। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि जब भी आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है सामने वाली पार्टी से आपके चेक बाउंस का, तो आपने उसका रिप्लाई सबमिट करना है। उसके बाद जब आपको कोर्ट से समन आएगा तो कोर्ट में फर्स्ट डेट पर अपियर होके अगर आप जज साहब को ये बोलते हैं कि मैं इस चेक का अमाउंट देने को तैयार हूँ, तो एज पर रूल सामने वाली पार्टी को ये आपकी ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ती है और आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चेक अमाउंट तक की होती है। इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं पे करना होता। आप फर्स्ट डेट पर अपियर होके एक नेक्स्ट डेट भी ले सकते हैं। आपके पास ये टू डेट्स का ऑप्शन होता है। आप इन टू डेट्स में अगर चेक अमाउंट क्लियर कर देते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो कैश में करें चाहे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करें, बस ख्याल ये रखना है आपने कि वो चेक की पेमेंट जो है वो कोर्ट में करें। तो अगर आप वो पेमेंट कर देते हैं फर्स्ट टू डेट्स पर अपियर होके, तो आपका केस आगे नहीं चलेगा। कोर्ट आपको बिल्कुल बाइज्जत बरी करेगी, ना ही आपको उसके ऊपर कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ना ही कोई आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, और आप हर तरह के लीगल झमेलों से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको किसी की धमकी से डरने की या पुलिस से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपने बस यही करना है कि फर्स्ट टू डेट्स पर जब भी आप कोर्ट में अपेयर होते हैं फर्स्ट टू डेट पर पेमेंट क्लियर कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक एंड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।